पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, पिछले 10 महीनों से एम्स में भर्ती थे, कुछ दिनों से गंभीर स्थिति में थे। एम्स प्रशासन ने 15 अगस्त को अपने मेडिकल प्रेस रिलीज में उनकी कंडीशन को बेहद खराब बताया था और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे होने की बात कही थी, जिसके बाद से उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और आज उनके निधन की खबर सामने आई है। अटल जी की मृत्यु देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकेगा। बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें देश का हर व्यक्ति प्यार करता था। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, तो स्नातक उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से पूरा किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अटल जी यूपी के कानपुर आए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए के साथ प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। कॉलेज लाइफ से ही उनका झुकाव संघ की तरफ रहा था। 1947 में वो पूर्ण रूप से संघ के कार्यकर्ता बन गए। अटल जी का राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। छात्र राजनीति से देश के 10वें प्रधानमंत्री बनने का सफर बहुत कठिन रहा, लेकिन उन्होंने सारी कठिनाइयों से उबरते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। अटल जी राजनेता के साथ साथ एक उम्दा लेखक और कवि भी थे। सुलगाया लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का, कदम मिलाकर चलना होगा। नगर बंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, अमर आग है, अमर आग है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी कविताएं देश प्रेम और सामाजिक संदेश देने वाली होती थी। अटल जी के जीवन का एक अटल सत्य ये भी था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की और देश सेवा में सारा जीवन समर्पित कर दिया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।